पाकिस्तान के लिए खेलने का क्या आपको ऑफर हुई स्नूकर का, कैसा आया हुआ ये? दिस वाज लॉन्ग टाइम अगो एक्चुअली, आई यूज्ड टू बी प्रीटी डिसेंट एट इट. सो हम लोग यहाँ कराची में, व्हेन आई मूव्ड टू कराची आई स्टार्टेड प्लेइंग विद सम फ्रेंड्स. हम नीचे एक बेसमेंट एक जगह है किसी कमर्शियल एरिया में, तो वहाँ जाते थे. And so they were all men there, they were all guys, and I was the only girl. मैंने कैप लगाई हुई होती थी और मैं स्नूकर खेल रही होती थी अपने फ्रेंड्स के साथ. सो जब कोई देखता था वहाँ पे तो कहते थे कि ये लड़की, हाउ इज दिस पॉसिबल, लाइक पाकिस्तान में लड़कियाँ नहीं नज़र आती हैं आपको खेलते हुए. एंड सो somebody saw me there couple of times and then they approached me and they said that, you know, would you like to go for this present Pakistan? Okay. In Chicago में हो रहा था वो project, tournament. So, पहले तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई कि ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड. बट देन इवेंचुअली आई वाज आल्सो मॉडलिंग एंड आई वाज वेरी बिजी इन दैट. सो लाइक, नो, यू नो व्हाट, दिस इज मोर ऑफ अ हॉबी एंड दिस इज अ करियर थिंग. सो हालांकि इट वाज प्रीटी स्टूपिड ऑफ मी, आई थिंक दैट आई शुड हैव डन दैट. अब मैं सोचती हूँ तो मुझे कर लेना चाहिए था, लेकिन या दैट्स हाउ इट हैपेंड. तो ये मॉडलिंग में आने का ख्याल कैसा आया? हाउ डिड ये दिमाग में शुरू से था? जैसे वो बहुत से लोग कहते हैं मुझे तो बचपन से ही एक्टर और मॉडल बनने का, यू नो, फनी इनफ आई ऑलवेज वांटेड टू एक्ट. आई मीन एक्टिंग का मुझे हमेशा से शौक था, बट नॉट मॉडलिंग. मॉडलिंग जस्ट काइंड ऑफ वाज लाइक अ स्टेपिंग स्टोन फॉर मी एट दैट टाइम. एंड आई वाज वेरी यंग, आई वाज माय ए लेवल फर्स्ट ईयर एंड इन इस्लामाबाद. एंड उस टाइम पे बस एक चांस ही हो गया था, यू नो, बाय चांस आई केम इनटू इट एंड देन आई सेड ओके फाइन. अच्छा, आप ए लेवल्स में थी जब आपने पहली बार मॉडलिंग, अदर देन दैट सॉन्ग? Yeah, that was the same time. Same time. Because we're talking about shoots and ramp and all that. Yeah, Tariq introduced me. He saw me at a charity show. Islamabad mein ek organize ho raha tha and some friends pushed me to do it. So udhar aapko hi walk kiya aapne. Haan, pehli dafa gayi to unhone mujhe kaha ki no, you can't do it. Sorry, we're full. Hamare paas jagah nahi hai. So I was very heartbroken. I was like, you know what? Forget it. I don't want to do. वो भी charity के लिए कर रही थी. हाँ, वो क्या मतलब? खैर, उसमें पैसों का तो इतना था नहीं मसला. कि it was more like, you know, shock का था. And you're very young. So, and then they called me up and said, some girl is backed out, can you please come? I said, okay, fine, I'll come. And that's how it happened. Tariq was there and Tariq saw me and he said, you know, you have something. And ho gaya phir usse. Uske baad modeling went on for like years. And then saath acting went on. So acting mein kaise aane ka opportunity kaise mili? Kya point aaya jab aapne socha ki haan, ab mujhe? Again, I would say that Tariq Amin referred me. Rana Sheikh at that time was looking for a girl in the play. And it was a PTV का play उस time पे. अच्छा, बहुत पुरानी बात है. और उसमें सानिया सईद और हुमायूं सईद की बेटी का रोल था. अच्छा. जो मैंने किया, जो मैंने कर लिया. और उसके बाद ऑब्वियसली दो तीन सालों के बाद मैं हुमायूं के साथ हीरोइन भी आ गई. लेकिन वो मैं उसको अभी तक तंग करती रहती इस बात पे. यू नो व्हाट, मेन इन पाकिस्तान डोंट एज. सो इट्स लाइक, हाउ इज दिस अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग दैट आई प्लेड योर डॉटर्स रोल फर्स्ट एंड नाउ देन लेटर. पता है, ये बात मैंने कहीं और भी आपकी पढ़ी थी और फिर मैं उस वक्त से वो प्ले ढूंढ रही थी कि ये कौन सा वाला प्ले था जिसमें आपने, इट वाज माय फर्स्ट प्ले. लेकिन वो मुझे उसका कहीं यूट्यूब पर शायद अब नहीं, अभी मुझे नहीं नजर आया. मैंने बहुत सर्च किया. आई वांटेड टू सी वो कौन सा ड्रामा था और हमारी कैसे लग रहे थे. इट वाज कॉल्ड शायद के बाहर आए, शायद सुल्ताना सिद्दीकी का प्ले था जी. ओके ओके. सो कैसा था जब पहली बार आपने एक्टिंग की, वो भी हुमायूं सईद और सानिया सईद के सामने? आई वाज फुल कॉन्फिडेंट. आई वाज लाइक, कर दूंगी मैं. हाँ. कोई मसला ही नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा था, कोई डर नहीं लग रहा था, कोई परेशानी नहीं थी कि यार मैं. I was very confident about that, but I would always recognize the fact that Sanya really helped me initially. Because Sanya ne mujhe badi help ki shuru mein, pauses ye wo cheeze. Because obviously I was completely raw. Of course. So I was like, I had no idea, but I was just delivering lines aur ye wo sari baatein. But Sanya and I was a fan of Sanya actually. So mujhe Sanya se ke drama aur Sanya was like, I was a bit of a starstruck moment was with Sanya se, not with Hamayu that much, but with Sanya I was. So yeah, I was a fan of Sanya. तो वो सानिया ने खुद अप्रोच किया आपको कि ऐसे ऐसे करो या आपको जाके कंसल्ट करती थी? शी वाज वेरी वेरी नाइस एंड केयरिंग एंड शी सेड कि छोटी बच्ची है, अभी इसको समझाऊं थोड़ा सा, बहुत तेज बोल रही है ये वो. हालांकि एंड देन जस्ट टुक ऑफ लाइक दैट. अच्छा, बोल मेरी मछली में मैंने जाके थोड़े से क्लिप्स देखे आपके. वो आपका आई थिंक जियो पे पहला प्ले था, जियो पे से पहले आई थिंक एक आध शायद मैंने पहले कर लिया था जियो के लिए, बट वो ज्यादा आई मीन इट वाज रिसीव्ड और बड़ी उसकी मजे की कास्ट थी उसमें, काफी आयशा खान, दरीम शहूद, काफी लोग थे, काफी लोग थे उसमें. अच्छा, मैंने जाके देखा और मुझे आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद योर एक्टिंग स्किल्स. अच्छा, और मुझे लगा कि वो पहला आपका प्ले है ना, मुझे उससे पहले पीटीवी का नहीं इन्फॉर्मेशन मिली थी.
right. मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा मॉडलिंग से आई ड्रामे में इतनी सॉलिड परफॉर्मेंस दे रही हैं. आई मीन देयर इज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो मॉडल्स एक्टिंग में आ जाती हैं उनका थोड़ा मसला होता है हमेशा, दे डोंट एक्ट वेल. बट आई एक्चुअली थिंक कि बहुत सारे हैं यार, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने मॉडलिंग से जंप किया एक्टिंग में, एंड सम ऑफ देम हैव एक्चुअली मेड इट. सो आई ऑलवेज एंजॉयड एक्टिंग, मुझे हमेशा से शौक. बचपन में क्या होता था वो जो हम सुनते हैं कहानियाँ या लोग बोलते हैं कि हम गाने गाते थे या प्रिटेंड करते थे कि हमारी ये फेवरेट एक्ट्रेस है तो हम ये बन गए, ऐसा कुछ तुगा करती थी? बहुत सारी ऑस्कर स्पीचेस लगाई है. हाँ बहुत. अच्छा. कितने सारे थे, जितने वार्ड फंक्शंस होते थे आई यूज्ड टू गेट रियली लाइक वर्कड अप एंड आई वाज लाइक यू नो मैं भी कोई शैम्पू की बॉटल पकड़ के या कोई चीज पकड़ के मैंने पूरी स्पीचेस मुझे मिल गया और अब मैं दे रही हूं, मुझे ये हो गया. या सो आई थिंक इट वाज वन ऑफ दोस मोमेंट्स व्हेन यू यंग यू वांट टू, और एक्टिंग का शौक भी था तो इसलिए फिर हो जाता है. लेकिन कभी किसी का वो नहीं क्या, किसी फिल्म का कोई एक्ट कर रही हूँ, गाना गा रही हूँ या डायलॉग्स बोल रही हूँ? बहुत किए हैं, रटे हुए थे मैंने उस टाइम पे. कौन सा फेवरेट जो सबसे ज़्यादा करती थी? मैं माधुरी की बहुत फ़ैन थी बड़ी. आई एम अ बिग माधुरी फ़ैन, श्रीदेवी ऑल्सो. सो वो वाले डायलॉग्स, देन देयर इज लाइक गॉड फादर के डायलॉग्स हो गए या यू नो डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें. So माधुरी का कौन सा, हमें कुछ झलक बताएंगी क्या होता था, कैसे माधुरी बनती थी आप? मैं एक्चुअली बड़ी आपने फनी बात कर दी, कुछ हम अभी खुदा और मोहब्बत जो कर रहे हैं उसके अंदर सब तंग करना शुरू हो गए कि चंद्रमुखी का रोल जो है ना ये रोमाना टाइप सा रोल, बिकॉज शी इज ऑब्वियसली अ कोर्टिसन प्लेइंग दिस रोल. एंड उसमें मैं और वजाहत हमेशा हर वक्त ना पीछे गाने लगा के देवदास की हम अपनी बातें और ये वो. तो एक दफ़ा वजाहत ने कहा कि आप इतनी बड़ी फ़ैन है माधुरी की, मैंने कहा जी, मैंने कहा मैं आपको पूरा डायलॉग सुना देती हूँ. तो मेरे पूरा वो एक देवदास की ना एक वो एक मोनोलॉग था जो कि मैं अभी नहीं सुनाऊंगी. सॉरी, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो सकता टॉफी दिखा के कि मैं अंदर से आपको मैं चॉकलेट दूंगी नहीं. No, दो लाइन इमिटेटिंग एक्टर्स मुझे मजा आता है. मतलब सारे एक्टर्स बोल के आप खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी जा रही है. इसके बाद बोला मुझे आई लाइक इमिटेटिंग. वो मुझे पता है क्योंकि आप ब्रिटिश एक्सेंट टर्निंग इंटू पंजाबी भी बड़ा अच्छा करते हैं. मुझे एक्सेंट्स का भी शौक है, सीखे हुए हैं चीजें. बट माधुरी की दो लाइन से सुना दें, हमें भी तो ट्रीट कर दें. अच्छा, उसी फिल्म का पूरा मोनोलॉग नहीं कह रही. नहीं, पूरा नहीं बोल. दो से तीन लाइंस. नहीं काली बाबू, अगर आप कर सकते तमाशा तो हम तवाइफों की जरूरत ही क्या थी, उस बाजार में एक कोठा आपका भी होता. It's like that. I can't do it right now. On camera, पूरा थोड़ी बोल रही हूँ. And of course, yeah, that's all. अच्छा, okay. So films offer कैसे आई, पहले मॉडलिंग फिर ड्रामे फिर फिल्म्स, और डिड यू फील एट दैट टाइम कि ये सही टाइम है, मुझे फिल्म में आना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए? या मुझे लगता है मैंने बहुत वेट कर लिया, मुझे उस वक्त आई नहीं. बिकॉज आई वाज अ लॉन्ग टाइम अगो व्हेन आई वाज एक्चुअली डूइंग अ फिल्म विद साकिब मलिक एंड दैट गॉट शेल्व्ड राइट 3-4 दिन पहले वो शेल्व हो गई थी. सरमद नहीं लिखी थी वो फिल्म. ओके. एंड सैडली दैट डिडंट हैपन at that time, and then I waited. I went into dramas, because it was a shock.